हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिल्ड माय प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे जो हमारा विंडोज 10 है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो हमारे आपके लैपटॉप में या फिर आपके पीसी में। तो उसके लिए आपको जाना होगा पहले तो गूगल क्रोम में। हाँ, तो मैं पहले आपको एक बात बता दूँ, अगर आपने आपके लैपटॉप में या फिर आपके पीसी में विंडोज 10 पहले से इंस्टॉल कर चुके हो और उसमें अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो उसके आईएसओ फाइल, जो विंडोज 10 की आईएसओ फाइल होती है वो, तो आप विंडोज 10 से डायरेक्टली डाउनलोड नहीं कर सकते। यानी विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में हो उसमें से ही आप डाउनलोड करना चाहते हो तो वहाँ से आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो जो मैं अभी डाउनलोड कर रहा हूँ ये मोबाइल से डाउनलोड कर रहा हूँ उसके ऑफिशियल वेबसाइट से, यानी माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जाना है अपने गूगल क्रोम में और यहाँ पे आपको सर्च कर देना है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड। ठीक है, तो यहाँ पे पहले यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है विंडोज 10 डिस्क इमेज, तो यहाँ पे आईएसओ फाइल है तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। ये जो पेज है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल पेज है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो आपका विंडोज 10 का आईएसओ फाइल। तो यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्ट एडिशन, तो जो आप सेलेक्ट एडिशन पे क्लिक कर दो और यहाँ पे विंडोज 10 दिया हुआ है तो यहाँ पे आप विंडोज 10 पे क्लिक कर दो। ठीक है, और कन्फर्म पे आपको क्लिक कर देना है ताकि आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सको। तो यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्ट द प्रोडक्ट लैंग्वेज, तो यहाँ पे आपको आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पे आपको इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो हम आ चुके हैं थर्ड स्टेप पे जो कि है विंडोज 10 इंग्लिश 64 बिट या 32 बिट। जब आप इंस्टॉल कर रहे हो विंडोज 10 अपने लैपटॉप पे या फिर आपके पीसी पे, तो उस पर आपको जानना पड़ेगा कि आपका जो विंडोज़ है ये 64 बिट को सपोर्ट करता है, जो आपका लैपटॉप है ये 64 बिट को सपोर्ट करता है या फिर 32 बिट को सपोर्ट करता है। तो उस हिसाब से आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ 64 बिट पे क्योंकि मेरा जो पीसी है 64 बिट को सपोर्ट करता है। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा अगर आपका जो लैपटॉप या फिर आपका पीसी है 64 बिट सपोर्ट कर रहा है तो आप 64 बिट ही यूज़ करें ताकि जो उसके फंक्शंस है वो बेटर काम कर सके। ठीक है, दोस्तों अभी तो आपने डाउनलोड कर लिया है विंडोज 10 की आईएसओ फाइल को। ठीक है, तो फिर अभी आपको दूसरा स्टेप करना है, इसमें जाना है आपको रूपूज करके एक एप्लीकेशन उसे डाउनलोड करना है, यानी जो आपकी आईएसओ फाइल होगी ये आपको एक्सट्रैक्ट करनी है आपके पेन ड्राइव में, यानी आपको जो आपका पेन ड्राइव होगा उसे आपको फ्लैश करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल सर्च पे और वहाँ पे आपको टाइप करना होगा डाउनलोड रूफूज RUFUS। मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 64 बिट का, इसलिए मैं यहाँ पे 64 बिट डाउनलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आके आपको पहले लिंक पे क्लिक कर देना है जो कि रूफूज द ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आने के बाद में, इस वेब पेज पे आने के बाद में आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है लास्ट अपडेटेड। यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ है लास्ट अपडेटेड 20, यानी ये 29 डेट को फरवरी में, यानी लेटेस्ट अपडेटेड है। तो यहाँ पे आपको रूफूज पे क्लिक कर देना है तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा आपके बैकग्राउंड में। ठीक है दोस्तों, ये मेरा पेन ड्राइव है 16 GB का जो कि मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ मेरे CPU से। दोस्तों, जो फाइल मैंने मोबाइल में डाउनलोड की थी विंडोज 10 की, जो कि आईएसओ फाइल थी आईएसओ, और जो रूफूज की फाइल थी वो मैंने इस फोल्डर में डाली हुई है।
ठीक है। आप देख सकते हो विंडोज 10 का लेटेस्ट वर्जन है जो कि iOS फाइल है, और ये रूफ़ूज है जो कि जिस एप्लीकेशन से हम विंडोज 10 को एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने पेन ड्राइव में, ठीक है। तो मैं इस रूफ़ूज एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। डबल क्लिक करके ओपन करना है और यस पे क्लिक कर देना है आपको। जो लुक है रूफ़ूज का ये ऐसा दिखेगा आपको। इसमें इंस्टॉलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स आपको इसमें कोई इंस्टॉल नहीं करना है, सिर्फ जो रूफ़ूज की फाइल आप डाउनलोड कर रहे हो उस पर डबल क्लिक करना है आपको, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिखा है मल्टीपल पार्टीशन। एक्चुअली जो मेरा पेन ड्राइव लगाया हुआ है मैंने 16 GB का, उसमें दो पार्टीशन हो गए हैं। तो यहाँ पे दोनों पार्टीशन ले रहा है वो ऑटोमेटिकली अपने आप से वो एक ही पार्टीशन कर देगा उसका, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आना है, सेलेक्ट पे क्लिक करना है। सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद में जहाँ पे मैंने ये विंडोज 10 का फाइल रखा हुआ है जो कि .iso फाइल है, ठीक है। तो मुझे अभी जाना है डेस्कटॉप में, विंडोज 10 के फोल्डर में मैंने रखा हुआ था, और ये जो विंडोज 10 का फाइल है मुझे ये सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ आपको चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है, जैसा है वैसे रख देना है, और यहाँ पे आपको स्टार्ट कर देना है। तो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आप देख सकते हो कि जो एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है क्रिएटिंग फाइल सिस्टम, और यहाँ पे इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। अभी ये जो कॉपिंग हो रहा है ये 100 तक होगा, उसके बाद में ये कंप्लीट फिनिश पे आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हो अभी ये आ गया है 99.2% पे, अभी कंप्लीट होने को आ ही गया है, लास्ट एंडिंग है। दोस्तों आप देख सकते हो ये इसकी प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे ये पॉपअप दिखा रहा है यू हैव जस्ट क्रिएटेड ए मीडिया डेट यूजेस दी NTFS बूट लोडर, ठीक है। जो भी आपका विंडोज़ का फाइल था वो एक्सट्रैक्टेड हो चुका है आपके पेन ड्राइव में। आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। पहले तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो आप जाके यहाँ पे आपके दिस PC में यहाँ पे देख सकते हो आप जो आपका पेन ड्राइव था, यहाँ पे जो भी आपके विंडोज़ के फाइल थे यहाँ पे एक्सट्रैक्टेड हो चुके हैं। तो ठीक है, तो जो आपका पेन ड्राइव ये बूटेबल हो गया है, तो आप इसे अब यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों ये प्रोसेस होने के बाद में आपको आपके PC को रिस्टार्ट कर देना है, ठीक है। रिस्टार्ट होने के बाद में आपको आपके BIOS के सेटअप में जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे दिखाई देता होगा आपको, ये है BIOS का सेटअप, ठीक है। तो ये इस पे आने के लिए आपको आपके लैपटॉप से F2 का बटन भी दिया होगा। F2 का बटन भी यहाँ पे काम करता है, यहाँ पे DEL यानी डिलीट का बटन भी काम करता है, ठीक है। तो जब आपका PC रिस्टार्ट होता है, जो स्टार्टिंग का आपका आपके लैपटॉप का नाम दिखाता है वहाँ पे Asus या फिर Dell का जो भी हो, तो वहाँ पे आपको डिलीट का बटन प्रेस कर देना है एकदम स्टार्टिंग में, तो आपको ये BIOS का सेटअप दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद में आपको जाना है आपके बूट सेटिंग में। बूट सेटिंग में जाने के बाद में आपको यहाँ पे आपका जो बूटिंग, जो आपका बूट प्रायोरिटी है यानी जो आपको हार्ड डिस्क को पहले दिए हुए होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको हार्ड डिस्क की जगह पे देना है आपके पेन ड्राइव को, ठीक है, यानी USB को दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको UEFI USB को देना है, और जो सेकेंड प्रायोरिटी है यहाँ पे आपको देना है आपके हार्ड डिस्क को, ठीक है। इसके बाद में आपको F10 पे क्लिक करना है और यस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसका सेटअप, जो विंडोज़ का सेटअप है, स्टार्टिंग का सेटअप,
वो आ चुका है। तो यहाँ पे आपको आपका जो लैंग्वेज है यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे टाइम एंड करेंसी दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे जो टाइम एंड टाइम है वो इंडिया का सेलेक्ट कर रहा हूँ, इंग्लिश इंडिया, ठीक है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आके आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। ये अभी हमसे प्रोडक्ट की मांग रहा है, ठीक है। अगर आपके पास प्रोडक्ट की अवेलेबल है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अगर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे आप आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग टाइप के विंडोज़ दिखाई दे रहे हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि विंडोज़ होम है, विंडोज़ होम एन है, विंडोज़ होम सिंगल लैंग्वेज है। ये जो 64 बिट का हम लोग ने डाउनलोड किया था वही यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो इंस्टॉल करने वाला हूँ ये है विंडोज़ 10 प्रो एजुकेशन, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पे इंस्टॉल करना है आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया विंडोज़ 10 प्रो एजुकेशन पे। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, ये उसके लाइसेंस टर्म्स दिखाएंगे, तो यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमें कस्टम इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। कस्टम पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको आपके हार्ड डिस्क की स्टोरेज दिखाई देगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेरा जो हार्ड डिस्क है मैं इसे फुल्ली फॉर्मेट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक्चुअली मैंने दो हार्ड डिस्क डाले हुए हैं, ठीक है, जो एक SSD है और एक HDD है। तो मैं जो SSD है इसे डिलीट कर रहा हूँ, यानी फॉर्मेट कर रहा हूँ। डिलीट, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो ड्राइव जीरो ड्राइव जीरो ड्राइव जीरो, यानी ये जो चार है ये मेरे SSD है, और जो नीचे के हैं ड्राइव 111 तो ये मेरे HDD है, ठीक है। तो ये हार्ड डिस्क मेरे HDD के हार्ड डिस्क है, और ये जो मेरा है ये SSD का हार्ड डिस्क है। यहाँ पे मैं मेरा SSD का फुल फॉर्मेट कर रहा हूँ, SSD हार्ड डिस्क फुल फॉर्मेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, अभी यहाँ पे मुझे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका विंडोज़ है ये इंस्टॉल हो रहा है आपके हार्ड डिस्क में। तो आप देख सकते हो जो इंस्टॉलिंग प्रोसेस है 98% तक हो चुकी है, ठीक है। ये प्रोसेस होने के बाद में जो आपका PC या फिर आपका लैपटॉप होगा वो रिस्टार्ट हो जाएगा। विंडोज़ नीड्स टू रिस्टार्ट टू कंटिन्यू। तो ये रिस्टार्ट होने के बाद में जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो नेक्स्ट स्टेप पे चली जाएगी। तो आपका जो सेटअप है ये स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो लेट स्टार्ट विथ रीजन इन दिस इज दिस राइट। तो यहाँ पे आपको इंडिया क्लिक कर लेना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है।
यहाँ पे भी आपको जो लैंग्वेज है आपके कीबोर्ड की, यहाँ पे आपको इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लेना है और यस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको पूछेगा वॉन्ट टू एड ए सेकेंड कीबोर्ड लेआउट, तो यहाँ पे आपको स्किप कर देना है। ये जो सेटअप का प्रोसेस है इसमें कम से कम 2 से 3 बार आपका पीसी या लैपटॉप रिस्टार्ट होगा। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ऑफलाइन अकाउंट। यहाँ पे लिखा है हुज गोइंग टू यूज दिस पीसी, तो यहाँ पे मैं नाम गैरी डाल रहा हूँ, GARY गैरी, ठीक है, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको पूछेगा पासवर्ड डालने के लिए, तो आपको पासवर्ड जो आपका आपको रखना है तो रखो, या फिर आप नहीं भी रख सकते हैं। नेक्स्ट कंफर्म करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछेगा, यहाँ पे आपको आपके हिसाब से जो है वो डाल देना है। यहाँ पे 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है, इसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे इसने लिखा डू मोर अक्रॉस डिवाइस विथ एक्टिविटी हिस्ट्री, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। गेट हेल्प फ्रॉम योर डिजिटल असिस्टेंट, यस। तो यहाँ पे आपने प्राइवेसी सेटिंग्स फॉर योर डिवाइस लिखा है, तो यहाँ पे भी आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो विंडोज़ 10 यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो आपने देखा आप यहाँ पे जो भी स्टेप्स दिए हुए थे मैंने आपको बता दिए हैं। तो इस स्टेप से रिलेटेड या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता होगा विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करने के लिए, तो आप मुझे शेयर कर सकते हो या फिर आप मुझे कमेंट पे बता सकते हो कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। मैं ट्राई करूँगा कि आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उसके आंसर दे पाऊँ। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय।